ये रहा आपका एमलिट का क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 2021 का। ओके अब चलते हैं पहले सवाल पे। ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। हम फटाफट आंसर बताने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आस्क अप्रोच स्किल नॉलेज इस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है आपका मैनेजमेंट से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी इज द आउटकम ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट नोन एज, तो इसका ऑप्शन सी सही है, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 3, IIA फाउंडेड इन USA इन 1968 स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, ऑप्शन इसका डी सही है आपका। देन क्वेश्चन नंबर 4, BSO इन क्लासिफिकेशन स्टैंड्स फॉर, तो ब्रॉड सब्जेक्ट ऑर्डरिंग, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI वॉज इंट्रोड्यूस बाई, किसने इंट्रोड्यूस की थी ये, तो ये इंट्रोड्यूस की थी लुअन ऑफ IBM ने, IBM की कोई लुअन थी। देन 6 नंबर देखिए, द बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ब्रॉट आउट बाय रंगनाथन इन द ईयर 1935, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज ए लाइब्रेरी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये आपकी है रजा लाइब्रेरी रामपुर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएटेड है कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज से, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्री प्रिंट इज और एन, तो इसका ऑप्शन सी सही है, नीदर ए नॉर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स यूजेज ओनली 2 डिजिट्स 0 और 1, दो डिजिट ओनली। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, कैनन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आर पार्ट ऑफ, तो ये पार्ट है आपका आइडिया प्लेन के। ओके स्ट्रक्चर प्लेन तो कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज 12th, जीरोग्राफिक प्रोसेस इज कैटेगराइज्ड अंडर, किस कैटेगरी में आता है ये जीरोग्राफिक प्रोसेस, तो ये आता है रिफ्लेक्स मेथड में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी अब्रॉड इज ए और एन, क्या है ये, तो ये एक हैंडबुक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द यूजर प्रोफाइल इज ए स्टेटमेंट ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, फिनिक्स शेड्यूल आर पार्ट ऑफ, तो फिनिक्स शेड्यूल जो पार्ट है वो DDC का है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इज ए प्रोग्राम ऑफ, किसका प्रोग्राम है ये, तो ये प्रोग्राम है आपका IFLA का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, AACR इज ए, क्या होता है ये, तो कैटलॉगिंग कोड होता है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट इज 18, अकॉर्डिंग टू जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2005, लॉस ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम्स पर 1000 वॉल्यूम्स इशूड और कंसल्टेड इन ए ईयर इज टू बी टेकन एज रीजनेबल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड इज 12.5 एंड 7.5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 20 नंबर, RDA इज रिलेटेड टू, तो RDA किससे रिलेटेड है, RDA रिलेटेड है आपका कैटलॉगिंग से, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 22, नंबर ऑफ सीट्स सॉरी स्टेट्स इन इंडिया विच हैव बीन इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन टिल डेट इज 19 होगा, जो अपडेटेड डेटा है उसके हिसाब से, वैसे इसका आंसर कई जगह पर आपको 10th मिलेगा बट वो अपडेटेड नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, इंफॉर्मेशन इज ए ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ओके 24 देखिए, BERN बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न विद, बर्न में सिर्फ बी ही कैपिटल होना चाहिए था और इसने पूरा बर्न कन्वेंशन ही कैपिटल लिख दिया, इसलिए हम भी कन्फ्यूज हो गए, तो ये कॉपीराइट से रिलेटेड है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, द इनविजिबल वेब रेफर्स टू इंटरनेट सिंस वी कैन नॉट सी इट, तो 25 का आंसर ये सही नहीं होगा बल्कि ये सही होगा, दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज हिडन फ्रॉम द सर्च इंजन, जिसको हम सर्च इंजन में नहीं देखते, डार्क वेब भी कहलाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, द एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया 1856 ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था ये, तो ये बेस्ड था ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, वेदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड, यस इट इज सेलेबल, तो
आंसर इज पॉसिबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। टर्म कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो ये लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। नेक्स्ट इज 30 नंबर, देखिए विच कंट्री द क्रेडिट इज गिवन टू कॉइन द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो ये है आपका जापान। नेक्स्ट इज 31, टुडे इंफॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे 32, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है और 4 बिट मिलकर एक बनाता है निब्बल, जिस पर पिछली बार भी सवाल आया था। नेक्स्ट इज 33, नाउ इट इज व्हाट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल रिसोर्स फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, तो इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड एम लिव आई एस सी एंड एम फिल कोर्सेज, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली था ये। देन 35 पे चलते हैं, 35 कहता है विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, तो देखिए बजट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है क्यूरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी नहीं हो सकती, तो आप ऐसे एलिमिनेट भी क्या करिए, एलिमिनेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम। कोठारी कमीशन इसका आंसर है, कमेटी या कमीशन। नेक्स्ट इज 36, वेयर डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन पुट फोर्थ हिज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ये मीनाक्षी कॉलेज आलम अन्नामलाई नगर की बात है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यूनिसिस इज ए प्रोग्राम। नेक्स्ट इज 38, विच एसोसिएशन टैगलाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, तो ये टैगलाइन है आपकी ASLIB की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन, तो ये टैगलाइन है SLA की। दो टैगलाइन पूछ ली गई है, देखिए विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट रीडिंग, तो ये है आपकी IFLA। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, विच टू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली पब्लिश सर्वे ऑन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन, तो ये है आपकी IFLA एंड यूनेस्को, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 42, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ज्वाइंट विद लाइब्रेरी एसोसिएशन टू फॉर्म CILIP इन 2002, तो इसका आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे 43, हु पब्लिश द जनरल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, तो ये जनरल है आपका ISKO इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गेनाइजेशन इंडियन अवार्ड्स टीचर्स इन एन इन LIS, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी IATLIS, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज 45, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी, तो ये है आपका 5th लॉ। नेक्स्ट इज 46, रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी कॉपरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 47, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज ए पब्लिकेशन ऑफ, किसकी रिपोर्ट है ये, तो ये रिपोर्ट है आपकी ALA की। 48, ABGIRA इज ए क्वार्टरली पब्लिकेशन ऑफ, किसका क्वार्टरली पब्लिकेशन है ये पब्लिकेशन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन हम मनाते हैं लाइब्रेरियन डे, तो ये हम मनाते हैं 12 अगस्त को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, तो इसका होगा ऑल दीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्राइज ऑफ, कौन कौन से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इनमें से, तो ये है आपके सी, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स। 52, आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल्स आर, तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, 52 का हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट इज 53, व्हाट इज थिसोरस, थिसोरस क्या है, द कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड टर्मिनोलॉजी सिनोनिम टर्म्स एंड लिस्ट ऑफ वर्ड, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज ए पेटेंट, पेटेंट क्या है, एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, वर्ड ऑफ लर्निंग इज व्हाट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फैक्ट ऑफ फाइल इज वीकली डाइजेस्ट ऑफ, किसकी वीकली डाइजेस्ट है ये, तो ये वीकली डाइजेस्ट है आपकी वर्ल्ड इवेंट की, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट इज 57, कॉम्पटन ईयर बुक कंटेंस क्या रखता है, क्या आता है इसमें, तो इसमें आता है आउटस्टैंडिंग इवेंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, ऑनलाइन यूरोपा बुक वॉज कवरेज सिंस, हैज कवरेज सिंस, सॉरी 58 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1985। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन टूल, तो ये है आपका WBCMO। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, रिसर्च पीरियडिकल्स आर विच कैटेगरी ऑफ
सोर्सेस, रिसोर्सेज, सॉरी सोर्सेज, तो ये है आपका प्राइमरी सोर्स। देन रेफरेंस सोर्सेज आर दोज, रेफरेंस सोर्स कौन से हैं, तो ये हैं विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर, विच पार्ट ऑफ न्यूज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंसेज, तो ये आपका प्रोपीडिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज ईयर बुक आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहलाती है ईयर बुक, तो ये हो जाएगा आपका एनुअल बुक्स। नेक्स्ट 64, व्हाट इज इंडिया ए रेफरेंस जनरल, तो ये है आपका ईयर बुक। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय ए पब्लिशर। नेक्स्ट इज 65, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट, ई डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सच एज कैसेट्स, सीडी रोम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये है आपका इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, जनरली द इन्फॉर्मेशन सोर्सेज आर डिवाइडेड मेनली इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज, तो डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट इज 69, व्हाट आर नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए विच आर नॉट, विच आर इन नॉट प्रिंटेड फॉर्म, तो ऑप्शन बी आपका करते हैं। 70, टुडे विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो फिलहाल है आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, तो ऑप्शन सी आपका ज़्यादा सुटेबल है, हालांकि डी भी आपका आंसर होने के चांस है, देखते हैं आंसर ई में जामिया क्या दिखाता है। 71, कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज, कवर टू कवर ट्रांसलेशन ट्रीट होता है एज करंट अवेयरनेस सर्विसेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्सेज टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, तो ये आपका गजेटियर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा गाइड बुक से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वर्ड ऑफ लर्निंग, वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये है आपका डायरेक्टरी। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ मैप टेबल चार्ट एक्सेट्रा, तो ये कहलाता है एटलस। बेहद आसान सा सवाल है, हाउ मेनी वॉल्यूम्स माइक्रोपीडिया ऑफ न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश्ड, कितने वॉल्यूम पब्लिश हुए हैं इसके, तो इसके पब्लिश हुए हैं आपके 10 वॉल्यूम्स, ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका कंसिस्ट ऑफ, कितने वॉल्यूम हैं इसके, तो इसके हैं 30 वॉल्यूम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज में से कौन से नहीं है, तो ये नहीं है आपके थीसिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट, पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज एनुअल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है, तो ये आपका लिस्ट ऑफ बुक पब्लिश इन ए पर्टिकुलर नेशन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एन बी, आई एन बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये है आपकी मंथली। नेक्स्ट इज फैक्ट ऑफ फाइल इज ए, फैक्ट ऑफ फाइल क्या है, वीकली लिस्ट है। 83, द टर्म इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन इज एन इम्प्रोवाइज नेम, किसका इम्प्रोवाइज नेम है ये, तो ये इम्प्रोवाइज नेम है रेफरेंस सर्विस का, ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड, तो ये प्रोवाइड क्या करती है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल, तो ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ ए यूजर प्रोफाइल, कौन सी सर्विस डिमांड करती है क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाइल का, तो ये डिमांड करती है आपके SDI। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, CAS इज डिफाइंड एज करंट, सॉरी प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन, तो ऑप्शन सी आपका 86 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, सॉरी फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस, किसका पार्ट है ये, तो ये पार्ट है आपका SDI का, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 88, ये थोड़ा धुंधला हो गया। मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ विच सर्विस, ये पेज हम आपको लास्ट में भी दिखा देंगे, ठीक है। मोबाइल लाइब्रेरी किस टाइप की सर्विस है ये, तो ये एक्सटेंशन सर्विस है। ओके नेक्स्ट इज 89, द पर्सन हु प्रोवाइड रेफरेंस सर्विस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइब्रेरियन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, रीडिंग सेंटर स्टोरी आर्स एग्जीबिशन एंड रीडिंग टू लिटरेचर आर फॉर्म ऑफ,
किसके फॉर्म है ये? तो एक्सटेंशन सर्विसेज को तो है ही है, ये सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी की भी है। अब देखते हैं जामिया इसमें क्या आंसर देता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन सी 91। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एडेड एंट्रीज? एडेड एंट्रीज का दूसरा नाम क्या है? तो ये है आपका सेकेंडरी एंट्रीज, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। हाउ मेनी ऑक्सिलरी टेबल्स आर देयर इन DDC 23rd एडिशन? तो ये है आपकी 16 टेबल्स। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 93। कॉमन आइसोलेट्स आर पार्ट ऑफ विच क्लासिफिकेशन? ये सवाल जो है गलत है, क्योंकि तो ये तीनों का पार्ट है, सीसी का भी, डीडीसी का भी, ओडीसी का भी। ओके, तो इसमें ऑप्शन नॉन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था ऑप्शन डी में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन में भी डिलीट हो जाए। 94। सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स SH इज मेनली यूजफुल फॉर? किसके लिए यूजफुल है ये? तो यूजफुल है स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरीज के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। वर्ड क्लासिफिकेशन कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड क्लासेस? ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नाउ 96। हु इज द पब्लिशर ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग? कौन है इसका पब्लिशर? तो इसका पब्लिशर है WHW विल्सन। 97। मैस इज ए, मैस क्या है? तो मैस इज ए थेरोसिस, सॉरी, हाँ थेरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98। द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC कंसिस्ट ऑफ? DDC के पहले एडिशन में कितने पेजेस थे? तो ये थे आपके 44 पेजेस, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द फोर एंटिटी ऑफ FRBR मॉडल? FRBR मॉडल की चार आइडेंटिटीज क्या हैं? तो ये आपकी वर्क वर्क है, एक्सप्रेशन है, मैनिफेस्टेशन है एंड आइटम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100। लास्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द डिफरेंट टिपोलॉजिकल स्टडी टुवर्ड मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट डन? तो ये था आपका 1950, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हो गए आपके 100 100 सवाल। एक या दो सवाल में शायद थोड़ा बहुत डाउट है, बाकी सवाल में सारी क्लैरिटी है। होपफुली आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वन सवाल।